हेलो स्टूडेंट्स, तो आज शुरू कर रहे हैं हम अपना नया चैप्टर जिसे कहेंगे हम थर्मोडायनेमिक्स। हिंदी में से हम बोलते हैं ऊष्मा गतिकी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक हम लोग जो थर्मल एनर्जी है मतलब हीट से ऊष्मा से होने वाली जो ऊर्जा है ऊष्मीय ऊर्जा है उसके बारे में पढ़ते आ रहे थे, तो अब ध्यान देंगे हम ऊष्मा गतिकी मतलब जो थर्मोडायनेमिक्स है। बेसिकली वो साइंस है जो हमें बताती है किस तरीके से हीट वर्क में कन्वर्ट होती है और वर्क से हीट आती है। देयर इज अ म्यूचुअल कन्वर्जन ऑफ हीट एंड वर्क, ठीक है, और ये किस तरीके से होता है, इनमें किस तरीके से ये किस किस प्रकार के यंत्र हैं, किस किस प्रकार के जो हमारे नियम हैं वो इसमें लागू होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज शुरू कर रहे हैं हम थर्मोडायनेमिक्स। इसमें सबसे पहले जो चीज हम समझने वाले हैं दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम से क्या मतलब है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं तापीय समय, तापीय समय साम्य, तापीय साम्य। तो तापीय साम्य बेसिकली या फिर थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, जब दो निकाय या दो बॉडीज जो होंगी वो क्या होंगे, उन दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, टेम्परेचर बराबर हो जाएगा मतलब थर्मली दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का ऊष्मीय स्थानांतरण नहीं होगा। देखिए ऐसा कब होता है, मान लीजिए कि एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी, ठीक है, मैं कहता हूं इस बॉडी का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, उसका है 30 डिग्री सेल्सियस। मैंने इन दोनों को एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रख दिया है, दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है, तो क्या होगा, हम जानते हैं जैसे ही टेम्परेचर का डिफरेंस होता है उसी समय ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा का स्थानांतरण होना शुरू हो जाता है, मतलब द हीट विल स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर, ठीक है। तो ये कब तक होता रहेगा, ये तब तक होता रहेगा जब तक कि इन दोनों ही बॉडीज का टेम्परेचर आपस में बराबर ना हो जाए। आपने डेली लाइफ में भी देखा होगा, अगर आपने कोई चीज गर्म करके रख दी है तो वो तब तक ठंडी होगी जो उसका रूम का टेम्परेचर, आपके जो कमरे का टेम्परेचर है उसके बराबर नहीं आ जाती, और उसके आगे फिर वो उसका टेम्परेचर लूज होना बंद हो जाए, मतलब उसमें से हीट लूज होना बंद हो जाएगी, मतलब उसका टेम्परेचर गिरना कम हो जाएगा, रूम टेम्परेचर के बराबर वो टेम्परेचर आ जाएगा। तो तापीय साम्य क्या है, द बॉडी व्हेन इट विल अटेन द थर्मल इक्विलिब्रियम विद द अनदर बॉडी। तो यहां पर क्या है, ए और बी में अगर टेम्परेचर डिफरेंस है, द हीट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी एंड दिस हीट विल फ्लो अंटिल देर इज अ थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब दोनों का टेम्परेचर तब तक बराबर नहीं हो जाता, तब तक ये हीट फ्लो करती रहेगी, और जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा देन दीज टू बॉडीज विल बी सेट टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। जब दोनों का तापमान बराबर हो जाएगा तब दोनों ही निकाय एक दूसरे के तापीय साम्य में आ जाएंगी। तो ये चीज हम थर्मल इक्विलिब्रियम में समझ रहे हैं। अब ये कब पॉसिबल नहीं है, जब इनके बीच में कोई डायथर्मल वॉल आ जाए, कोई ऐसी दीवार आ जाए जो कि हीट को फ्लो होने से अवरोध पैदा करे, मतलब जैसे आपने बीच में गैप क्रिएट कर दिया तो ऐसा नहीं हो सकता, या फिर आपने कोई इस तरीके का मटेरियल या इंसुलेशन लगा दिया तो टेम्परेचर जो हीट है वो फ्लो नहीं कर पाएगी फ्रॉम हायर बॉडी हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी, मतलब उच्च तापीय निकाय से निचे तापीय निम्न तापीय निकाय की तरफ जो ऊष्मीय हमारा ऊष्मीय स्थानांतरण है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है। अब हम अगला टॉपिक समझते हैं जो कि आधारित है हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए स्टूडेंट्स, तो यहां पर अब हम समझ रहे हैं हमारा ऊष्मा जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम हिंदी में कहते हैं ऊष्मा गति का शून्य कोटि का नियम। तो ऊष्म गतिकी का शून्य कोटि का जो नियम है वो क्या कहता है, वो ये कहता है, देखिए मैं यहाँ पर तीन निकाय बना देता हूँ, थ्री बॉडीज बना देता हूँ, मान लीजिए एक बॉडी ए है एक बॉडी बी है, ठीक है, वो ये कहता है अगर ये दोनों बॉडीज किसी तीसरी बॉडी मतलब मान लीजिए सी एक बॉडी है तीसरी एक निकाय है, ये दोनों ए सी के थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये निश्चित ही है ये सर्टिन है कि ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो क्या कहेंगे हम, इफ ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड बॉडी सी देन डेफिनेटली ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। यदि कोई दो निकाय ठीक है यदि कोई दो निकाय किसी तीसरी निकाय के तापीय समय में है तो ये निश्चित है कि वह आपस में भी परस्पर तापीय समय में होंगे।
तो इन दोनों डेफिनेशंस को आप रिपीट करके अपने भाषा में लिख सकते हैं, वरना इसको समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी यही जो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, यहीं से हमारा कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर भी आता है। बेसिकली टेम्परेचर जो हमारा ये है कि डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड द कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो तापीय समय ये जो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने हमें हेल्प करा टेम्परेचर को एस्टैब्लिश करने में, क्योंकि टेम्परेचर मेजरमेंट करने में हम यही काम करते हैं, हम बेसिकली दो बॉडीज को थर्मल इक्विलिब्रियम में लेके आने की कोशिश करते हैं। आप एक थर्मोमीटर को अगर किसी भी बॉडी से लगाते हो तो वो थर्मोमीटर बेसिकली क्या करता है कि जैसे मैंने थर्मोमीटर का कंसेप्ट तो बता चुका हूं मैं कि बेसिकली कोई भी हमारा जैसे वो है, अगर मरकरी है तो मरकरी एक मेटल है, जैसे ही उसमें थर्मल एनर्जी आएगी तो एक्सपैंड करना शुरू करेगा। तो एक्सपेंशन हमें कैसे एक लीनियर फॉर्म में, हम उसे मेजरमेंट के फॉर्म में देख लेते हैं, उसका मापन कर लेते हैं। तो यहां पर बेसिकली हम कर रहे हैं जो जो मरकरी है उसको बॉडी टेम्परेचर के इक्विवेलेंट लेके आ रहे हैं, मतलब मरकरी और बॉडी क्या हो रहे हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं। तो यहां पर हमें जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मतलब ऊष्मगतिका शून्य कोटि का नियम क्या कहता है, यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के क्या है तापीय समय में है, तो यह निश्चित है कि वह परस्पर एक दूसरे के तापीय समय में होंगे, ठीक है। तो इफ टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड बॉडी देन इट इज डेफिनेट दैन दे आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, ठीक है। तो यहां पर हमें जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ में आ गया, चलिए अगला टॉपिक समझते हैं। चलिए दोस्तों, यहां पर अब हम समझने वाले हैं ऊष्मा गति का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी मैं आपको समझाने वाला हूं। लेकिन अगर आप इसे समझे तो बेसिकली ये हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो हमारी ऊर्जा संरक्षण का नियम है, उसी के ही तरह है, एग्जैक्टली वही चीज है, बस इसे दूसरे तरीके से कहा गया और समझा गया है। तो ऊष्मा गति जो हमारा ऊर्जा संरक्षण का जो हमारा नियम होता है वो क्या कहते हैं, ऊर्जा ना तो क्या उत्पन्न हो सकती है ना नष्ट हो सकती है, केवल ऊर्जा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है एक जगह से दूसरे, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है उसका, ठीक है। तो यहां पर भी वही चीज है, बेसिकली यहां पर हम कुछ टर्म्स को समझेंगे, क्या टर्म्स हैं, जैसे कि यहां पर अगर हम डेल क्यू लिखते हैं, डेल क्यू का मतलब एनर्जी सप्लाइड, मतलब अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम और टेकन बाय द सिस्टम। अब यहां दो चीजें हैं, यहां पर दो चीजें समझ लो, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। सिस्टम क्या है, ये हमारी कोई निकाय है वो सिस्टम हो गया, और ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी सीमाएं होंगी, बाउंड्री होगी, और इसके अलावा जो भी इसके बाहर की चीज है उसे सराउंडिंग कह देते हैं। जो जिस जगह पर हम अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं उसको सिस्टम कहेंगे, और उसके अलावा बाकी सारी चीजें सराउंडिंग हो गई, दोनों को मिला के क्या बन जाता है, पूरा ब्रह्मांड बन जाता है, यूनिवर्स कहते हैं उसे। तो यहां पर जो डेल क्यू होता है, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट सप्लाई टू द सिस्टम और गिवन आउट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है, अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, दिस इज अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, ये सप्लाइड भी हो सकता है, टेकन बाय द सिस्टम भी हो सकता है, सिस्टम के द्वारा दिया गया भी हो सकता है, लिया गया भी। अब जब ये सिस्टम द्वारा दिया जाएगा, मतलब हीट किसी बॉडी से चली जाएगी तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव मतलब ऋणात्मक हो जाएगी, लेकिन जब हीट कोई बॉडी ले लेगी तो वो क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी, मतलब उसमें हीट एड हो गई है। इसी प्रकार से यहां पर हम वर्क ले लेते हैं, वर्क अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन मतलब कितना कार्य किया गया, ठीक है। अब क्या है, कार्य सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर भी कर सकता है, सराउंडिंग सिस्टम्स के ऊपर भी कर सकती है। अगर कार्य सिस्टम द्वारा किया गया है तो वो धनात्मक होता है, और अगर सिस्टम के ऊपर कार्य किया गया होता है तो वो ऋणात्मक होता है, मतलब नेगेटिव होता है। पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब सिस्टम काम करेगा, और नेगेटिव वर्क होगा जब सिस्टम के ऊपर काम होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप किसी पिस्टन को धक्का देके चला रहे हो, तो आप अगर उस सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उस पिस्टन इसके इंजन के पॉइंट ऑफ, जैसे आपने जब अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट या स्कूटर स्टार्ट करने में किक लगाई, तो वो आपने क्या किया, सिस्टम को वर्क दिया, मतलब इंजन को वर्क दिया, तो वो कैसा वर्क होगा, वो नेगेटिव वर्क होगा। लेकिन जब इंजन चालू हो गया और उसकी वजह से आपका स्कूटर भागने लग गया, गाड़ी दौड़ने लग गई, तो वो कैसा वर्क होगा, पॉजिटिव वर्क होगा इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इंजन क्या हो रहा है, वो हमारे सिस्टम को क्या कर रहा है, वो सिस्टम से बाहर पावर दे रहा है या फिर वर्क दे रहा है, ठीक है। तो यहां पर डेल क्यू डेल डब्ल्यू आ जाता है, और यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, डेल यू आ जाती है। ये डेल यू क्या है, ये बेसिकली इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, आंतरिक ऊर्जा है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है।
तो ये क्या है, आंतरिक ऊर्जा, किसी भी सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा है। तो अब यहां पर क्या किया, क्या बताया गया है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो कहते हैं कि अगर हम किसी भी सिस्टम को एनर्जी देते हैं, मतलब अगर हम उसको एनर्जी देंगे, तो एनर्जी, देखिए पहले प्रथम जो हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, एनर्जी कहीं नष्ट नहीं होगी। तो क्या होगा, अगर मैंने कहीं भी एनर्जी सप्लाई करी, डेल क्यू दिया, तो वो डेल क्यू क्या होगा, वो डेफिनेटली दो भागों में जाता है। वो किस तरीके से जाता है, वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस सम वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब वो जो सिस्टम होगा, वो जो निकाय होगी, वो क्या होगा, कुछ ऊर्जा तो किसमें चली जाएगी, उसकी इंटरनल, उसके आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में चली जाएगी, और कुछ क्या हो जाएगा, किसमें चले जाएगा, जो कार्य वो कर रहा है उसमें चले जाएगा। ठीक है, ये कार्य धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, और इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, जो भी इंटरनल एनर्जी होती है, यू इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, सॉरी, इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो यानी कि क्या है, अगर किसी निकाय की जो टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट जीरो है, ठीक है, बिल्कुल जीरो है, मतलब जीरो कैल्विन कह रहा हूं मैं, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं कह रहा हूं, अगर जीरो कैल्विन है तो डेफिनेटली क्या है, उसकी इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो अगर वो चीज डेड है, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। डेफिनेटली अगर कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है तो उसका जो टेम्परेचर होगा, कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, तो डेफिनेटली उसकी कुछ इंटरनल एनर्जी होगी। तो यहां पर जो हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है उसके अकॉर्डिंग ये बनता है हमारा जो एक्सप्रेशन है, दैट इज डेल क्यू इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। ठीक है, जहां पर ये दोनों ऊर्जाएं किस तरीके की हैं, ये दोनों ऊर्जाएं कौन सी है, हमारी ट्रांजिशन एनर्जीज हैं, और ये हमारी पॉइंट एनर्जी है। ठीक है, क्योंकि हम इसको एक पॉइंट पे डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन वर्क और अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर को हम एक पॉइंट पे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। खैर, वो चीज को मैं आगे और एक्सप्लेनेशन में जाऊंगा, लेकिन यहां पर आपको इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को याद रख लेना है, किसके लिए, फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है उसको आप मैथमेटिकली कैसे लिखने वाले हैं, इस तरीके से लिखने वाले हैं। तो जो ये भी हमारा ऊर्जा संरक्षण का ही बता रहा है कि हम अगर कोई हीट किसी एनर्जी को, किसी सिस्टम को, किसी निकाय को हीट एनर्जी देते हैं, तो वो कहीं नष्ट नहीं होता, वो सिर्फ किसमें परिवर्तित हो जाता है, अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी, उसके आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में, और साथ ही साथ क्या होता है, सम अमाउंट ऑफ वर्क डन। अगर इनमें से कोई एक चीज एब्सेंट होगी तो वो अमाउंट ऑफ, आप मान लीजिए कोई कार्य नहीं हो पा रहा है अगर, तो वो पूरी की पूरी एनर्जी किसमें चली जाएगी, उसके आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में चली जाएगी। और अगर मान लीजिए क्या हो रहा है, अगर कार्य ही हो रहा है और यहां पर इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो यानी कि टोटल एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू वर्क। ठीक है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहां पर मैथमेटिकल फॉर्मूला हमारा यही कह रहा है। तो चलिए अगला हम टॉपिक समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हम अगला टॉपिक समझते हैं, जहां पर हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पहले समझने से पहले यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको हम जान लेते हैं। यहां पर हम कुछ एक इस तरीके की असेंबली है जिसको हम कहेंगे कि सिलेंडर है, एक तरीके का सिलेंडर है, ठीक है, एक गोलाकार सिलेंडर है, और इसके अंदर एक पिस्टन लगा हुआ है, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से, और इसके अंदर कुछ क्या है, गैस है। तो यहां पर हमें बस कुछ, मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये तीन ऐसे पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। ये किसी भी एक सिस्टम की किसी एक स्टेट को बताते हैं, किसी सिस्टम की एक स्थिति को बताते हैं। ठीक है, तो किसी एक पर्टिकुलर, ये दो एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के कंपैरेटिवली ये इस तरीके से चलते हैं कि प्रेशर में अगर कुछ वेरिएशन आएगा तो वॉल्यूम में वेरिएशन आएगा, तो प्रेशर में कुछ वेरिएशन आएगा और उसके टेम्परेचर में भी वेरिएशन आ सकता है। इनमें चीजों को अलग अलग को कॉन्स्टेंट रख के भी हम अलग अलग प्रोसेसेस को देख सकते हैं, वो भी हम समझेंगे किस तरीके से एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बेसिकली सिलेंडर सिलेंडर पिस्टन असेंबली से हम इन चीजों को समझते हैं, और इसी तरीके से जो हमारे यहाँ पर ग्राफ्स हैं वो आते हैं। अगर कोई स्टेट वन है और यहाँ पर स्टेट टू है, ठीक है, एक कोई स्थिति है जहां वन है टू है, ये हमारा प्रेशर हो गया, ये हमारा वॉल्यूम हो गया, तो अगर जिस तरीके से हमारा वॉल्यूम अगर यहाँ बढ़ेगा तो प्रेशर डेफिनेटली क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो प्रेशर हमारा रिड्यूस हो जाएगा। और यहाँ पर अगर प्रेशर पी वन और वॉल्यूम वी वन है, तो यहाँ प्रेशर पी टू और वॉल्यूम वी टू हो जाएगा। तो बस ये कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब हम समझते हैं यहाँ पर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम समझ रहे हैं ऊष्मा गति का द्वितीय नियम, जिसे हम सेकंड लॉ कहते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, ऊष्मा गति की का द्वितीय नियम।
बेसिकली क्या है, द्वितीय नियम इसीलिए आया क्योंकि फर्स्ट लॉ में बस इतना बताया गया, अगर आप किसी सिस्टम को हीट दोगे, इफ सम एनर्जी इज गिवन टू अ सिस्टम, इट विल डेफिनेटली गिव, उसमें क्या होगा, उसके आंतरिक ऊर्जा कुछ बढ़ेगी और वो कुछ कार्य करेगा. लेकिन इसने डायरेक्शन ऑफ हीट को नहीं बताया कि हीट किधर से किधर को जाती है. तो दिस वॉज ये चीज करेक्शन हमारे इसमें आया, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कि कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट से भी आता है. ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली दो स्टेटमेंट से निकल के आता है, दैट इज कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट. तो ये चीज क्या कहती है, यहां पर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट दो चार जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा. वो क्या है, जैसे यहां पर हमें पता होना चाहिए कि थर्मल रिजर्वॉयर क्या होता है. थर्मल रिजर्वॉयर, तो थर्मल रिजर्वॉयर बेसिकली क्या है, थर्मल रिजर्वॉयर मतलब ऊष्मा का भंडार. ठीक है, ऊष्मीय भंडार जो होता है, ऊष्मीय भंडार क्या होगा, उसमें से अगर आप कुछ अमाउंट ऑफ ऊष्मा निकाल लो तो भी उसके टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं आएगा, और उसमें कुछ ऊष्मा डाल दो मतलब उसमें कुछ हीट डाल दो तो भी उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. तो थर्मल रिजर्वॉयर दो तरीके के हो सकते हैं, एक हाई टेम्परेचर हो सकता है और एक लो टेम्परेचर होगा. हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ऊष्मा जाएगी लेकिन इनके तापमान पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. तो हाई टेम्परेचर रिजर्वॉयर हमारा क्या होगा, उच्च तापीय ऊष्मा भंडार, और ये निम्न तापीय ऊष्मा भंडार. हीट कहां से कहां चलेगी, उच्च तापीय से निम्न तापीय की तरफ जाएगी. तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो हमारे थे, ठीक है, और क्लॉजियस, इन दो लोगों ने मिलके केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉजियस के अकॉर्डिंग हमारा जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो आता है, जो हमारा ऊष्मा गति का द्वितीय नियम है वो आता है. ठीक है, वो किस तरीके से है आइए समझते हैं आगे. तो यहां पर हमारा जो दो स्टेटमेंट्स है हमारे, एक किसके द्वारा दिया गया है, केल्विन प्लैंक, केल्विन प्लैंक. ठीक है, आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं, केल्विन प्लैंक का प्रकथन भी कह सकते हैं. और यहां पर एक हमारा क्लॉजियस, तो क्लॉजियस भी हो गया. तो केल्विन प्लैंक ने क्या कहा था, ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ सिस्टम टू वर्क इन अ साइकिल. ठीक है, कोई भी ऐसा निकाय, कोई ऐसी निकाय ऐसी नहीं हो सकती जो एक साइकिल में कार्य कर रही हो और वो क्या कर रही हो, कोई एक ऊष्मीय भंडार से ऊष्मा को लेके पूर्णतः उसे पूरे के पूरे कार्य में परिवर्तित या रूपांतरित कर दे रही हो. तो इसको कैसे हम समझेंगे, कोई हमारे एक सिस्टम है, ठीक है, वो सिस्टम क्या कर रहा है, एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से, एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से क्या ले रहा है, हीट ले रहा है और उसको पूरे के पूरे को किसमें, कार्य में, वर्क में, 100% वर्क में बदल दे रहा है. तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इट इज इम्पॉसिबल. सो केल्विन प्लैंक ने कहा इट इज इम्पॉसिबल टू, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सिस्टम टू वर्क इन अ साइकिल एंड टू प्रोड्यूस टोटल वर्क बाय टेकिंग हीट फ्रॉम अ हाई टेम्परेचर रिजर्वायर. ठीक है, तो ऐसी कोई निकाय नहीं हो सकती या कोई ऐसा नहीं हो सकता जो कि क्या करे, एक हाई टेम्परेचर उच्च तापीय ऊष्मीय भंडार से ऊर्जा को लेके, ऊष्मा को लेके उसको पूरा का पूरा 100% किसमें रूपांतरित कर दे, वर्क में रूपांतरित कर दे. इसी चीज को क्लॉजियस ने किस तरीके से कहा था, लगभग उन्होंने कहा था इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सिस्टम टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर रिजर्वॉयर टू अ हाई टेम्परेचर रिजर्वॉयर. तो यहां पर क्या है, अगर दो टेम्परेचर रिजर्वॉयर है, एक है हमारा उच्च तापीय ऊष्मा भंडार है, ठीक है, रिजर्वॉयर है एसटीआर, और यहां पर हमारा एक और है लो टेम्परेचर रिजर्वॉयर. तो लो टेम्परेचर रिजर्वॉयर मतलब निम्न तापीय क्या है, ऊष्मीय भंडार है. यहां से हीट ऊपर की तरफ मतलब उल्टी दिशा में नहीं जा सकती, मतलब कभी भी हीट रिवर्स डायरेक्शन में नहीं चल सकती अंटिल अनलेस उसको कोई एक्सटर्नल सपोर्ट ना दिया जाए. एक्सटर्नल सपोर्ट मतलब देयर हैज टू बी सम वर्क गिवन बाय द एक्सटर्नल वर्क, हमें देना पड़ेगा एक बाहरी कार्य, हमें इस पर देना पड़ेगा, तभी ऐसा पॉसिबल है. ठीक है, तो यहां पर हमारे इन दोनों स्टेटमेंट्स की थ्रू आप समझ पाएंगे कि क्या हमारा क्या है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉजियस स्टेटमेंट क्या है, और उसी से हमारा क्या आता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आता है. तो दोस्तों यहां पर आप लोगों को समझ में आया होगा क्या हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, क्या जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, क्या हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है. और यहां पर हमें क्लियर हुआ है कि अगर इन में से कोई भी नियम को कोई भी निकाय अगर उसको उसका उल्लंघन कर रही है तो वो निकाय प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकती. ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को क्लियर हुआ होगा. चलिए अब फाइनली इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे. तो दोस्तों यहां पर इस वीडियो को कंक्लूड करने के लिए मैं यहां पर कुछ चीजों के, इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करूंगा. एक हीट इंजन के बारे में बात करेंगे,
हीट इंजन, तो हीट इंजन क्या होगा, वो हीट इंजन वो सिस्टम होगा जिसको मैं ऐसे दर्शाऊंगा ई से, और ये हाई टेम्परेचर रिजर्वायर मतलब उच्च तापीय जो ऊष्मीय भंडार है, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से ये हीट को लेगा और ये कुछ हीट को तो रिजेक्ट करेगा लो टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ, लेकिन इन दोनों के बदले ये हीट एक्सचेंज के बदले ये Q1 हीट लेगा और Q2 हीट ये यहाँ रिजेक्ट कर देगा और ये बेसिकली कुछ वर्क देगा, इट विल गिव सम वर्क आउटपुट, दैट वर्क आउटपुट इज अ डिफरेंस ऑफ Q1 माइनस Q2। ठीक है, तो वर्क आउटपुट क्या होगा, Q1 माइनस Q2, ऐसे को हम क्या कहते हैं, हीट इंजन ले कहते हैं, जो कि हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट लेके क्या करेगा, कुछ उसे कार्य में बदलेगा और कुछ जो कार्य में वो नहीं बदल पाएगा वो हीट रिजेक्टेड हो जाएगी, इसको हीट रिजेक्टेड भी कहते हैं Q2 को, दैट विल बी गिवन टू द लो टेम्परेचर रिजर्वायर। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या है, इसी का उल्टा काम करने वाली चीज को हम क्या कहेंगे, रेफ्रिजरेटर कहेंगे, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर हमारा जो होता है रेफ्रिजरेटर उल्टा काम करेगा, वो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ हीट को भेजेगा और उसको हम आर से बताएंगे और यहां पर लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट को लेगा, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे बाहरी कार्य चाहिए, बाहरी कार्य चाहिए, तो वर्क विल बी गिवन टू दिस रेफ्रिजरेटर। अब यहां पर हमारा इसने Q2 हीट ली और Q1 बना के भेज दी, तो Q1 हमारी बेसिकली क्या होगी, Q1 विल बी W+Q2 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो W हमारा वही रहता है, W इज Q1 माइनस Q2 ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा आपको समझ में आ गया, हीट विल बी एडेड टू द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। ठीक है, अब इन दोनों में, इन दोनों की क्षमताएं, अगर हीट इंजन की बात करें, ई की बात करें, तो उसको हम ईटा से दिखाते हैं, ईटा मतलब एफिशिएंसी। ठीक है, इनकी क्या क्षमता है, तो दैट विल बी क्या हो जाएगा हमारा Q2, जो हमारा वर्क है, वर्क कितना है Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, कितना हमें देना पड़ा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारा जो इंजन है, इंजन के लिए जो एफिशिएंसी है, जो उसकी क्षमता बताने के लिए हम ये फॉर्मूला ऐसे निकाल पा रहे हैं, देखिए एफिशिएंसी हमेशा जो क्षमता होती है वो क्या होती है, क्या आउटपुट है अपॉन इनपुट है, तो आउटपुट हमारा क्या है, वर्क है और इनपुट हमारा Q1 है। अगर हम एक हीट इंजन की बात करें तो हीट इंजन में हम क्या देख रहे थे, उसका इनपुट कितनी एनर्जी ले रहा था हमारा इंजन, Q1 एनर्जी ले रहा था, हीट ले रहा था और कुछ वर्क दे रहा था, और यहाँ पर Q2 हीट कुछ रिजेक्ट हो रही थी, या हाई टेम्परेचर रिजर्वायर हो गया, ये लो टेम्परेचर रिजर्वायर हो गया, जो ऊष्मीय भंडार है ये उच्च तापीय है निम्न तापीय है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वर्क डन क्या है, ये वर्क डन हमारा Q1 माइनस Q2 के बराबर है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर आउटपुट अपॉन इनपुट ऐसे लिख लिया, इसको 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी किसके केस में हो गई, इंजन के केस में हो गई, लेकिन अगर आप रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं तो रेफ्रिजरेटर का आउटपुट क्या है, देखिए रेफ्रिजरेटर का आउटपुट होता है अमाउंट ऑफ हीट एडेड, मतलब कितनी हीट अमाउंट, सॉरी रेफ्रिजरेशन क्या कर रहा है, रेफ्रिजरेशन कूलिंग कर रहा है, तो कितनी कूलिंग हुई, कितनी कूलिंग हुई होगी, जितनी हीट इसने यहां से ली होगी, इसने कितनी हीट यहां से ली, यहां से इसने Q2 हीट ली है, ये इसका क्या है आउटपुट है, इनपुट क्या मतलब ऐसा करने के लिए इसे कितना कार्य करना पड़ा अपॉन वर्क, तो ये हमारा रेफ्रिजरेशन का क्या हो जाएगा, या रेफ्रिजरेटर का क्षमता हो जाएगी, और रेफ्रिजरेटर की क्षमता को COP से बताते हैं, कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस से बताते हैं, उसे ईटा से नहीं बताएंगे हम, तो ईटा क्या है हमारा इंजन के लिए यूज करेंगे और COP हमारा रेफ्रिजरेटर के लिए यूज करेंगे, ये हो जाएगा Q2 अपॉन, आप इसको Q1 माइनस Q2 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा, राइट। चलिए, तो आज का वीडियो हम यही कंक्लूड करते हैं, इसके बाद मैं आपसे मिलूंगा अगले लेक्चर में, जहां पर हम फर्दर आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। फॉर मोर ऑनलाइन कोर्सेज डाउनलोड वेदाश्री लर्निंग ऐप।